तीसरे अध्याय का नवा सूत्र है। इसमें अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक से, धीरस्तु भोज्य मानो अपि पिड्य मानो अपि सर्वदा, आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। अष्टावक्र धीरवान मनुष्य के विषय में जनक से कहते हैं कि धीरवान मनुष्य भोग और पीड़ा दोनों ही स्थितियों में नित्य केवल आत्मा को देखता है, ना तो भोग उसे तुष्ट करता है और ना ही पीड़ा उसे क्रुद्ध करती है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो वास्तव में आत्मज्ञानी हो गया है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने जान लिया है, वो कुछ हासिल करके, कुछ भोग करके ना तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और ना ही ऐसा है कि कुछ ना मिले तो हाय हाय करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरवान मनुष्य स्वयं को जानता है, इसलिए संसार को भी जानता है। वह जानता है कि संसार से जो कुछ भी मिल सकता है वह उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकता, उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हासिल करके ये कहा जा सके कि अब कुछ नहीं चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी भोग संसार में आखिरी नहीं होता है। ये संसार की हकीकत है। तो अष्टावक्र ऐसे धीर पुरुष के बारे में जनक से कह रहे हैं कि ऐसा धीर व्यक्ति संसार से कुछ मिल जाने पर ना तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और ना ही कुछ ना मिलने पर अथवा कुछ छिन जाने पर अथवा संसार के द्वारा पीड़ित किए जाने पर कुपित होता है। तो अष्टावक्र यहां पर जनक से संसार के प्रति एक सहज संबंध रखने के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी मनुष्य का ना तो कुछ भोगने में कोई रस होता है, ना ही कुछ छोड़ने में। वो ना कुछ त्यागता है, ना कुछ पकड़ता है, ना आसक्ति ना विरक्ति, केवल एक सहज संबंध संसार से रहता है। पर क्या हम ऐसा संबंध संसार से रखते हैं? हमारा संबंध तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कोई चीज है, अगर वो हासिल हो गई तो जैसे उसे पाकर सब कुछ मिल जाएगा, और कभी कुछ छिन जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ छिन गया हो। लेकिन जो वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध हुआ है वो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। कुछ हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, अप्रसन्न नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगा। और कुछ लाभ भी हो गया तो बहुत अधिक खुश नहीं हो जाएगा। उसे कोई मान सम्मान दे रहा है तो वो फूलकर चने के झाड़ पर नहीं बैठ जाएगा, और किसी ने अपमान कर दिया तो जाकर अंदर ही अंदर घुटेगा नहीं, सम्मान की भीख नहीं मांगेगा। लेकिन हमारा कोई सम्मान करके देखे, थोड़ी सी हमारी बढ़ाई करके देखे, हम तो बिल्कुल चने के झाड़ पर बैठ जाते हैं। और कोई थोड़ा सा अपमान कर दे तो हम लाल पीले हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और क्रोध करने लगते हैं। जो लोग ज्ञानी फिरते हैं उनसे उस ढंग से बात करो जिस ढंग से वो चाहते नहीं है, फिर देखो वो कैसे लाल पीले होते हैं। एक व्यक्ति थे पंडित जी, मैं किराए के रूम में रहता था, वहां पर बगल में रहते थे, उम्र से होंगे 25-26-30 साल के अंदर ही अंदर के। तो वो गए नौकरी करने, पर जहां नौकरी करने गए वहां पर तो बॉस और इनके साथ के जो लोग हैं वो इनको इनके नाम लेकर के पुकारे। पर अब इनकी तो आदत हो गई थी पंडित जी स्वामी जी सुनने की, कि लोग इनका बड़ा सम्मान से और आदर से नाम लेंगे, इनके चरण छुएंगे, तो इनको बड़ा बुरा लग रहा। तो ये भाई साहब चले तो नौकरी छोड़ करके ही आ गए, बोले हमसे नहीं हो रही नौकरी।
लोग तो हमारा नाम ले लेकर के बोलते हैं, ऐसे कुछ भी नाम ले देते हैं। देख रहे हो, ये पंडित जी हैं, ये ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, पर लेकिन इनको इतना ही सहन नहीं होता कि कोई इनसे इनका नाम लेकर के पुकारे, क्योंकि अहंकार की आदत हो गई ना कि बस अब वो सम्मान के योग्य है तो उसका हर जगह सम्मान होना चाहिए। उसे भ्रम हो गया कि वो सम्मान्य है और वो उस सम्मान से आसक्त हो गया, चिपक गया। तो पंडित जी ने नौकरी वोकरी छोड़ी और वापस से अपना वही उठाया झोली और वही सारा काम धाम शुरू कर दिया। और एक दो बार उनको देखा भी, तो जहां भी पूजा पाठ करते हैं वहां लोग अगर आरती में पैसे ना चढ़ाएं तो मुंह से बोल करके कहते, अरे पैसे चढ़ाओ, पैसे चढ़ाने होते हैं, क्योंकि उनका धंधा ही वही है। नौकरी तो उन्होंने छोड़ दी, अब धंधा, पैसा कहां से लाएंगे, इसी से कमाएंगे। तो अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से कि कहीं तुझे भी सम्मान अपमान से, कुछ पाने से कुछ खोने से कोई आसक्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्मान के लिए तो लालायित रहता हो और अपमान हो जाए तो बिल्कुल तिल मिला जाता हो अंदर से। तो कह रहे हैं कि धीर पुरुष जो है वह ऐसा होता है कि न तो न तुष्यति न कुप्यति, कुछ मिल गया तो उसके सामने समर्पण नहीं कर देगा और कुछ नहीं मिला तो हाय हाय नहीं करेगा। एक सहज जीवन जिसमें कोई पाखंड नहीं, जीवन में जो कुछ भी प्राकृतिक है उसका वह सहज स्वीकार करेगा। कभी आलस आ गया तो ठीक है, शरीर है, आलस आता होगा, आएगा ही। तो ये नहीं कहेगा कि नहीं, हमें तो कभी आलस नहीं आ सकता। अरे देह है, शरीर है, उसको तो आएगा ही। ऐसा नहीं कहेगा कि स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, स्वाद के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अरे शरीर है, शरीर को अच्छा भोजन मिलेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हाँ, पर एक सहज संबंध रहेगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे ये बात समझ आ जाती है कि संसार से कुछ मिल गया तो भी ऐसा नहीं है कि हम पूरे हो जाएंगे या हमें संतुष्टि मिल जाएगी। और अगर संसार ने कुछ छीन भी लिया तो हमसे कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन हम तो भोग के पीछे भी अगर दौड़ते हैं, कुछ पाने के पीछे भी अगर दौड़ते हैं, तो इसीलिए दौड़ते हैं क्योंकि हमें आत्मज्ञान के अभाव में ये भ्रम हो जाता है और ये आशा रहती है कि संसार से कुछ पा लिया तो पूरे हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। और इसी प्रकार कुछ छिन जाने पर हम दुख और क्रोध भी इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज बड़ी कीमती है। किंतु जिसने संसार और संसार में जो कुछ भी है उसकी व्यर्थता को देख लिया, अब वह संसार से किसी भी तरीके की आशा नहीं रखता। संसार उसे सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, लेकिन अब ना तो संसार से मिला हुआ सुख उसका मालिक बनता है और ना ही संसार से मिली हुई पीड़ा उसे कुपित कर देती है या क्रोधित कर देती है। और संसार की व्यर्थता जान लेने का अर्थ ये नहीं है कि संसार में जो कुछ है वो सब व्यर्थ है। व्यर्थता जान लेने का अर्थ इस संदर्भ में है कि मुझे जो वास्तव में चाहिए, संतुष्टि, आनंद, प्रेम, पूर्णता, अहम को जो चाहिए आत्मा, वो भोग के माध्यम से उसे नहीं मिल सकती। हम दौड़ते हैं किसी चीज के पीछे इस आशा में कि उससे हम पूरे हो जाएंगे। दौड़ता वो भी है लेकिन उससे पूरे होने की उसकी कोई आशा, कोई कामना नहीं होती है। वो जानता है कि इससे मुझे आखिरी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इस वस्तु का जो उपयोग है वो करेंगे। शरीर है, शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, किंतु शरीर की आवश्यकताएं तो सीमित होती हैं ना। वो जो असीमित भोग हम करते हैं वह क्या है? वह हम इसी आशा में करते हैं कि शायद उससे कुछ संतुष्टि मिल जाए। 5 लाख की गाड़ी है, हो सकता है कि आज वो शरीर की जरूरत हो, काम की जरूरत हो, किंतु जो काम 5 लाख की गाड़ी में हो जाता हो उसी काम के लिए 5 करोड़ की गाड़ी क्यों
क्या है? ये भोग के माध्यम से संतुष्ट होने का प्रतीक है, भोग के माध्यम से संतुष्टि पाने की कोशिश है, भोग के माध्यम से अहम को आत्मा प्राप्त करने का प्रयास है, जो कि असंभव है। भोग से कभी भी आत्मा माने पूर्णता माने संतुष्टि माने कामना से मुक्ति भोग भोग कर नहीं मिल सकती। भोग की व्यर्थता जानकर उससे संतुष्ट होने की कामना ना करना ही हमें भोग से मुक्त कर सकता है और अहम को व्यर्थ की दौड़ से विश्राम में शांति में ले जा सकता है। काम वासना प्रकृति के क्रम को बनाए रखने के लिए एक सीमा तक आवश्यक हो सकती है, किंतु हर क्षण हर समय इसमें डूबे रहना क्या दर्शा रहा है? हर क्षण इसमें डूबे रहना उसके माध्यम से आत्मा को पाने का प्रयास है, शाश्वत सुख पाने का प्रयास है, जो कि उसके माध्यम से आपको मिल नहीं सकता। अष्टावक्र किसी भी तरह से ना कह रहे हैं कि इसमें कूद पड़ो, इसमें लिप्त हो जाओ, और ना ही कह रहे हैं कि इससे भाग जाओ। वे कह रहे हैं कि जीवन के साथ एक सहज संबंध रखो, क्योंकि आत्मज्ञानी मनुष्य, धीर मनुष्य ना कुछ त्यागता है, ना कुछ पकड़ता है, ना आसक्ति ना विरक्ति, केवल एक सहज संबंध संसार से रखता है। क्रोध उत्पन्न कब होता है? कह रहे हैं ना, न तुष्यति न कुप्यति, तुष्टि की संतुष्टि की कामना भी नहीं रखता और ना ही क्रोधित होता है। क्रोध उत्पन्न कब होता है? क्रोध उत्पन्न ही तब होता है जब कुछ चाहा हो और वैसा ना हुआ हो। हम कोई उम्मीद रखते हैं, कोई आशा करते हैं, जब वैसा नहीं होता है तभी तो हमें दुख और क्रोध आता है। किंतु आत्मज्ञानी जो है, माने जिसने ये जान लिया है कि पहली बात तो उम्मीदें आशाएं कभी पूरी होती नहीं, और अगर कभी हो भी जाती है तो उनके पूरा हो जाने पर भी हमें वो चीज मिल जाएगी, लेकिन उस चीज के माध्यम से जो हमें आखिरी संतुष्टि चाहिए थी, पूर्णता चाहिए थी, वे नहीं मिलेगी। तो आत्मज्ञानी मनुष्य ना तो संसार से कुछ उम्मीद रखता है ना भविष्य से, क्योंकि उम्मीद ही तो है जिसके पूरे ना होने से दुख और क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि पूरी हो भी जाए तो दुख होता है, क्रोध होता है, निराशा होती है। अब आत्मज्ञानी व्यक्ति है तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि हाथ कट गया है तो नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूं, हाथ कट गया मुझे कहां दर्द होता है। अरे भाई, हाथ कट गया, हाथ को तो दर्द हो रहा होगा ना, तो वो ऐसे नाटक नहीं करता, नहीं मैं तो आत्मा हूं, शास्त्र मुझे छेद नहीं सकता। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो इन शब्दों को पढ़ लेते हैं तो दोहराते रहते हैं कि नहीं हम तो आत्मा हैं, हमें तो आग छू भी नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, तो वो शरीर को ही पीड़ा देते रहते हैं। देखा होगा कर्मकांडी लोगों को, जो शरीर संबंधी काम होते हैं, जो प्रकृति संबंधी काम होते हैं, उन्हीं में उनका सारा समय लगा देते हैं। वो नहाना है कि नहीं नहाना है, किस दिन नहाना होता है, कितने बजे नहाना होता है, खाना कब खाना है, खाना कितना खाना है, कौन सा खाना कभी छूना भी नहीं है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इन सब का सही चुनाव हो जाता है, इन सब के साथ सही संबंध हो जाता है जब आप स्वयं को जानते हैं और जब आप इन सब से किसी तरह की कोई पूर्णता मिल जाने की, कोई संतुष्टि मिल जाने की उम्मीद नहीं रखते। हम भोजन भी ठूसते जाते हैं, ठूसते जाते हैं, कभी स्वादिष्ट मिल गया तो। पेट की जरूरत होती है तो जितनी उसकी जरूरत होती है, जितने में उसका काम चल जाए उतना उसको दे दो, लेकिन हम भोगते भी इतना है कि भोग भोग करके ही शरीर को भी बीमार कर देते हैं। तो भोग और पीड़ा दोनों शरीर से, तन से, मन से संबंधित है,
अपमान, सुख दुख, ये सब। तो जो धीर मनुष्य है, धीरवान मनुष्य है, आत्मज्ञानी पुरुष है, वो इन सब बातों को बहुत अधिक महत्व देता नहीं है। ये ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं, इनके साथ एक सहज संबंध रखता है। मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ छिन गया तो छिन गया, कोई बात नहीं, और वो आगे बढ़ जाता है। अब जनक से अष्टावक्र ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि राज्य है छोड़कर भाग जाओ, यही तो कह रहे हैं जनक से कि कहीं ऐसा तो नहीं उठ रहा है मन में कि त्याग दूं इस राज्य को। अब इतनी सारी वैराग्य की बातें सुनकर के, ये सुनकर के कि संसार तो मेरा ही प्रक्षेपण है, संसार में तो कुछ नहीं है, कहीं अब ये भाव तो नहीं उठ रहा है कि त्याग दूं सब। अगर ऐसा उठ रहा है तो अभी भी कुछ नहीं जाना है, क्योंकि आत्मज्ञानी को ना तो अब छोड़ने में कोई रस रह जाता है और ना ही पकड़ने में। क्योंकि छोड़ना भी तो एक तरह का वैसे ही भाव है ना, कि पकड़ने से कुछ मिल जाएगा और इधर तुम सोच रहे हो कि छोड़ने से कुछ मिल जाएगा। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि संसार से संबंध रखो किंतु उससे संतुष्ट हो जाने की, उससे पाकर के पूरा हो जाने की कोई आशा मत करो, और कुछ छिन भी जाए तो निराश मत हो जाओ, क्योंकि कुछ छिन गया तो भी तुम घटोगे नहीं, और कुछ पा लिया तो भी पूरे नहीं हो जाओगे, तुम पूरे ही हो, चाहे कुछ घटे या कुछ बढ़े।